आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इन दो कलरों की वूल से और यहाँ पर नीड ली है हमने 10 नंबर। इससे बहुत ही सुंदर एक नीटिंग डबल कलर में डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस डिजाइन को आप बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कैप में, टॉप में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बनता हुआ आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सुंदर सा रेडीमेड लुक में ये डिजाइन बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से इसको बना के कंप्लीट किया है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल सिंगल धागे से, ध्यान से देखिए, 10 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो यहां से फंदे डाल के आप यहां स्टार्टिंग से ही हम पहली सिलाई को, ये ध्यान से देखिए, सीधी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो इस डिजाइन को हम उल्टी साइड से बनाना शुरू करेंगे। तो एक सिलाई हम यहां पर देखिए उल्टे उल्टे की बनाएंगे। तो इस सिलाई को हम यहां पर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने बेस के लिए रखी है। तो ये देखिए, एक सिलाई हमने यहां पर सीधी साइड से पूरी सिलाई को मैंने यहां पर उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया। पहली सिलाई को मैंने यहां पर बेस वाली सिलाई यानी कि सीधी साइड से एक सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई है। तो यहां से मानिए अब डिजाइन की उल्टी साइड है और पहली सिलाई है। यहां से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई है और यहां पर देखिए उल्टी सिलाई है। यहां पर अब हम ये सेकंड कलर लगाएंगे, व्हाइट वाला। व्हाइट कलर से हम 2 फंदे ऐसे उल्टे बनाएंगे, एक और ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब आगे हमने क्या करना है, 8 फंदे ऐसे 2 बार धागा घुमा के बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहां पर देखिए 2 फंदे मैंने व्हाइट कलर का धागा लगा के उल्टे बनाए, 8 फंदे आगे 2 बार धागा घुमा के बनाए। अब 2 फंदे फिर से सिंपल उल्टे बनाएंगे। अब आगे 8 फंदे फिर से 2 बार धागा घुमा के बनाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 फंदे फिर से मैंने 2 बार धागा घुमा के बनाए। लास्ट के 2 फंदे बचेंगे, फिर से इन्हें उल्टा बनाएंगे। तो ये हमारी यहां पर डिजाइन की पहली सिलाई उल्टी साइड से बन के यहां पर कंप्लीट है। डिजाइन की अब दूसरी सिलाई है यहाँ पर और सीधी सिलाई है। इसे हमने किस तरह से बनाना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो पहले 2 फंदे थे इनको अब की बार हम सीधे बनाएंगे, एक फंदे को ऐसे उतार के अगला फंदा सीधा, यानी कि 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब जो ये 8 फंदे थे हमारे, इनको हम खोल लेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फंदे थे जो हमने ये खोल लिए, 2 फंदे सीधे बना के, जो 8 फंदे हमने 2 बार धागा घुमा के बनाए थे इसे हमने खोल लिया। अब हमने इसे उल्टा बनाना है, इकट्ठा बनाना है और 8 फंदों के 8 फंदे ही बनाने। तो कैसे बनाएंगे हम इसे, एक बार ऐसे 8ों में से निकाल के सीधा बनाएंगे और इसे हम इतना लूज रखेंगे। अगर हम टाइट करेंगे तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। और अब इस लेफ्ट नीडल में इस लूप को डाल के और इसे भी सीधा बनाएंगे। अब इसे निकाल लेंगे, इन फंदों को ऐसे ही रखेंगे, फिर से अगले, फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, एक
फिर से इस लूप को लूज रख के इसमें डालेंगे और इसको भी सीधा बनाएंगे। तो दो बार, अब ये तीसरा फंदा बनाएंगे इसी तरह से, इसे लूज रखेंगे इस तरह से और इसमें डाल के और इसे सीधा बनाएंगे। तीन, फिर से बनाएंगे एक सीधा फंदा, फिर से इस लूप को लेफ्ट नीडल में डाल के सीधा बनाएंगे। ये चौथा फंदा बनाया, फिर से इसी में से निकालेंगे सीधा फंदा। ये पांचवा फंदा, फिर से इसी में से ये छठा फंदा, फिर से इसी में से ये सातवां फंदा और एक बार और लास्ट बार फिर से आठवां फंदा हम इसी तरह से बनाएंगे। लेफ्ट नीडल में डाल के इसे फिर से हम सीधा बनाएंगे। तो यहां पर हमने आठ फंदों से, ये देखिए आठ फंदे ही बनाए हैं, दो फंदे ये हमारे सीधे थे, फिर आगे दो, चार, छः और दो, आठ। अब इन आठों फंदों को ऐसे नीडल से निकाल लेंगे तो ये एक फ्लावर हमारा बन गया। अब दो फंदे बीच में ये सिंपल सीधे थे तो इसे हमने सिंपल सीधा ही बनाना इस तरह से। तो एक फ्लावर इस तरह से हमारा बन गया। अब आगे आठ फंदे फिर से खोलेंगे हम जो दो बार धागा लपेट के बनाए थे। तो आठों फंदे हमने फिर से खोल लिए हैं तो अब फिर से इन आठ फंदों के हम आठ फंदे ही बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से इसमें से निकालेंगे नीडल, इस पे डालेंगे और सीधा इस तरह से, फिर से यहां आठों फंदे में इकट्ठा डालेंगे और सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे। ये दूसरा ये तीसरा फंदा, फिर से ये चौथा फंदा, फिर से बनाएंगे ये पांचवा फंदा, फिर से बनाएंगे ये छठा फंदा, फिर से बैक लूप से सीधा बनाएंगे और लेफ्ट नीडल में डाल के ये सातवां फंदा और लास्ट बार फिर से एक बार फिर से बनाएंगे ये आठवां फंदा। तो आठ फंदों से हमने फिर से ये आठ फंदे बनाए। अब इन आठों फंदों को गिरा देंगे। अब लास्ट के बचे हैं दो फंदे, इनको भी सीधा बनाएंगे। तो ये हमारे यहां पर देखिए दूसरी सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है, डिजाइन की तीसरी सिलाई। तो तीसरी सिलाई में फिर से हम ये धागा चेंज करेंगे, दो बेस वाले कलर से लाइन आएंगी, दो व्हाइट कलर से, चार सिलाई में ये डिजाइन बनेगा। तो अब फिर से हम ये बेस वाले कलर से पूरी तीसरी सिलाई को हम यहां पर सीधी साइड से उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। डिजाइन की तीसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई है इस तरह से। पूरी सिलाई को हम ऐसे एक एक फंदा लेते हुए ध्यान देते हुए, क्योंकि यहां पर फ्लावर बना है जो ये यहां पर फंदे कभी निकल ना जाए या फिर दो फंदे इकट्ठे ना चले जाए, इसलिए ध्यान देते हुए सभी फंदों को तीसरी सिलाई में उल्टी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए डिजाइन की तीसरी सिलाई उल्टी साइड से बन के कंप्लीट है। तो यहां पर देखिए डिजाइन की चौथी सिलाई सीधी सिलाई, चौथी सिलाई को भी हमने पहले फंदे को ऐसे उतार के पूरी सिलाई फिर से इसी बेस वाले कलर से ही हमने यहां पर सीधी सीधी बनानी है। तो डिजाइन की चौथी सिलाई है और यहां पर अब की बार सीधी साइड है, सीधी साइड से हम चौथी सिलाई को सीधा सीधा ही बनाते हुए जाएंगे।
चार सिलाई का डिजाइन है और आठ सिलाई में ये डिजाइन जाके कंप्लीट होता है। तो यहां पर देखिए डिजाइन की ये चौथी सिलाई बन के कंप्लीट है। तो अब पांचवी सिलाई में हमने क्या करना, पांचवी सिलाई में जो ये फ्लावर है इन दोनों के बीच में आएगा, तो इस फ्लावर को हमने यहां पर शिफ्ट करना है पांचवी सिलाई में। तो पांचवी सिलाई उल्टी साइड से फिर से हम व्हाइट कलर के धागे से बनाएंगे। तो पहली सिलाई में तो हमने यहां पर दो फंदे व्हाइट कलर से उल्टे बनाए थे, लेकिन अब की बार हमने फ्लावर को बीच में सेट करना, तो सिर्फ यही चेंज है, यहां पर हम सात फंदे पहले उल्टे बनाएंगे। तो चार पांच छ सात, सात फंदे यहां पर हमने उल्टे बनाए। अब फिर से यहां पर आठ फंदे दो बार धागा घुमा के, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, तो आठ फंदे दो बार धागा घुमा के, जैसे यहां पर सात फंदे बनाए थे तो लास्ट में भी मेरे पास ये सात फंदे ही बचेंगे, तो इन्हें हमने अकेला उल्टा बनाना। अगर ज्यादा फंदे होंगे तो सात फंदे की बजाय यहां पर हम दो फंदे उल्टे बना के फिर से हम अगले सात फंदे दो बार धागा घुमा के बनाएंगे, लेकिन ये टोटल मैंने 22 फंदे ही लिए, इसलिए यहां पर मेरे सात फंदे ही आएंगे। अगर हम बड़ा पैटर्न बनाएंगे तो इसमें आगे और ज्यादा फंदे आएंगे, तो दो फंदे उल्टे बनाएंगे। तो ये डिजाइन की यहां पर पांचवी सिलाई बन के कंप्लीट है। डिजाइन की छठी सिलाई और यहां पर सीधी सिलाई। छठी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, पहले फंदे को उतारा, अगले सात फंदे सीधे बनाए, दो तीन चार पांच छ और ये सात, सात फंदे सीधे बनाने के बाद अगले आठ फंदे दो बार धागा घुमा के हैं, तो इनको फिर से हम खोलेंगे। तो आठ फंदे हमने खोल लिए हैं, अब हमें क्या करना है, अब यहां पर देखिए इस तरह से जो ये आठ फंदे हैं इनको हमने इकट्ठा बनाना हो, सात के साथ ही बनाना है। तो एक फंदा ऐसे बनाया, इस नीडल में डाला, सीधा फंदा बनाया, अब इस फंदे को गिराएंगे, एक फिर से अगला उतारेंगे, दो फिर से सीधा फंदा बनाएंगे, तीन फिर से बनाएंगे, चार फिर से बनाएंगे, पांच फिर से बनाएंगे, छह फिर से बनाएंगे, सात फिर से लास्ट ये बनाएंगे हम, आठ इस तरह से। तो ये हमने आठ फंदों के आठ फंदे बनाए, अब इनको ऐसे गिरा देंगे। अब अगले हैं हमारे पास सात फंदे, तो इनको अकेला अकेला सिंपली सीधा बनाएंगे। तो ये डिजाइन की छठी सिलाई सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। डिजाइन की यहां पर सातवीं सिलाई, सातवीं सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, सेकंड कलर लगा के हम पूरी सिलाई को ही ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे। उल्टी साइड है और सातवीं सिलाई है, इसे हमने पूरी सिलाई को ही ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करना है।
दो कलर का डिजाइन है, बिल्कुल रेडीमेड जैसा डिजाइन ये बन के आएगा। तो इस डिजाइन को एक बार आप भी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। तो 7वीं सिलाई को हमने सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की 8वीं सिलाई और लास्ट सिलाई, लास्ट सिलाई में हमने किस तरह से बनाना है, पूरी सिलाई को सीधी साइड से इसी कलर से, बेस वाले कलर से ही हमने यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। डिजाइन की 7वीं 8वीं सिलाई और सीधी सिलाई, 8वीं सिलाई को भी हम पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी 8वीं सिलाई यहाँ पर सीधी साइड से बन के कंप्लीट है। तो ये देखिए हमारा फ्लावर भी इन दोनों के बीच में सेट हो गया। तो 4 सिलाई का डिजाइन है, 8 सिलाई में कंप्लीट होता। इन्हीं तो आठ आठ सिलाइयों को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन सीधी साइड से इस तरह से आएगा। तो ये सीधी साइड से इस तरह से दिखता है और उल्टी साइड से डिजाइन इस तरह से दिखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।